नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 10वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने है। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम को देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच की जोड़ी ने एक शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया। खासकर एरन फिंच तो अलग ही लेवल में बल्लेबाजी करते दिखे। एक बड़े स्टेडियम में एरन फिंच काफी आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे और इस दौरान उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। मुंबई की शानदार गेंदबाजी लाइनअप को एरन फिंच काफी आसानी से बाउंड्री के लाइन के बाहर भेज रहे थे। पहले विकेट के लिए एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने 8.6 ओवर में 81 रन जोड़कर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। आपको बता दें, इससे पहले आईपीएल 2020 के अपने पहले मुकाबले में भी देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी और अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी काफी शानदार शुरुआत दोनों ने टीम को दिला दी है। आपको बता दें, एरन फिंच 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो गए। एरन फिंच ने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।